नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले अब हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं और करीब 400 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल कोरोना वायरस केस की संख्या 3 लाख के पास पहुँच गयी है और इसी के साथ भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित चौथा देश बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कोरोना वायरस संकट और उसके असर को लेकर एक्सपर्ट से बात की। इस बार राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोल्स बर्न से बात की और भारत अमेरिका के रिश्तों पर खुलकर चर्चा की। इधर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसकी जद में नामचीन हस्तियां और सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं। उद्धव सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। गुरुवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। वंदे भारत मिशन के पहले दो चरणों में 1,65,000 से ज्यादा भारतीयों के स्वदेश लौटे जाने के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को उसका तीसरा चरण शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट कंपनियों की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि हमने पिछली बार आदेश दिया था कि कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए, यह आदेश जारी रहेगा। राज्य सरकारों के श्रम विभाग कर्मचारियों और कंपनियों के बीच मध्यस्थता करेंगे। अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद पर भी याचिका दाखिल की गई है। हिंदी पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी है। मशहूर भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। लाल को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। यह घोषणा गुरुवार को की गई है। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी है। ब्राजील में अब तक कोरोना वायरस के 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जबकि पिछले 24 घंटे में 30,412 नए मामले सामने आए हैं। ट्विटर ने ऐसे 1 लाख से अधिक खातों पर कार्रवाई की है जो चीन के प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। इन खातों से चीनी सरकार के समर्थन में अभियान चलाया जा रहा था जिसे देखते हुए ट्विटर ने गुरुवार को उन्हें बंद कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।